रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के नौकायन पर राम आशीष कुमार पुत्र राम प्रवेश निवासी गिरैची थाना पुरैना जिला महाराजगंज का पानी में तैरता हुआ शव सुबह बरामद हुआ। इस दौरान घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुशील कुमार शुक्ला ने शव को पानी से बाहर निकलवा कर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके संबंध में सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने बताया कि रामगढ़ताल में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर रामगढ़ताल थाना प्रभारी ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया, जिसकी पहचान राम आशीष कुमार के रूप में हुई है। उनकी माता थाना कोतवाली में किसी हॉस्पिटल में कर्मचारी हैं, जिनसे बात करने पर पता चला कि राम आशीष कल से ही लापता थे, जिसके संबंध में थाना कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज है। सीओ कैंट ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने कहा, अभी बहुत तेज फूलने लगी है, फूली नहीं थी, अभी बहुत तेजी से फूल लगा बाहर आ गई ना। फोटो हमारे पास है। रामगढ़ताल में आज सुबह एक लाश मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी रामगढ़ताल में पोस्ट पहुंचकर लाश को पानी से बाहर निकलवाए हैं और उसको पहचान कराने का प्रयास किया गया। तो पहचान की राम आशीष, जिनकी उम्र लगभग 21 वर्ष, पुरैना थाना महाराजगंज के वो रहने वाले हैं। उनकी माता जी यहाँ किसी हॉस्पिटल में थाना कोतवाली क्षेत्र में कर्मचारी हैं और वो कल से ही शाम से ही लापता थे, जिसके संबंध में थाना कोतवाली अंतर्गत गुमशुदगी दर्ज है और बॉडी को जो है कि पुलिस कस्टडी में लेकर पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई आगे की जाएगी।